हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंशन मेंबर के बारे में। ठीक है, हमारा टेंशन मेंबर का एक मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये प्रॉब्लम बोल रहा है 2 ISA 75 × 50 × 8 आर कनेक्टेड टू अ गैजेट प्लेट ऑन इट्स सेम साइड ऑफ थिकनेस 10 मिलीमीटर बाय 4 M18 ग्रेड 4.6। ओके, फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एंगल इफ द लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड टू गजेट प्लेट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा एक एंगल सेक्शन दिया गया है, दो एंगल सेक्शन है। ठीक है, जिसका डायमेंशन है मेरा 75 × 50 × 8 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा अनइक्वल एंगल है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि ये जो एंगल है मेरा, उसमें हमारा 10 मिलीमीटर का गजेट प्लेट है और उसमें हम कितना, 4 हम उस पर बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जिसका थिकनेस कितना है, 18 मिलीमीटर। एम 18 का मतलब हुआ 18 मिलीमीटर का, और ग्रेड हम कितना यूज कर रहे हैं, 4.6। तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एंगल। ठीक है, कि हमारा जो एंगल का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम इस तरीके से एंगल हम निकालते हैं। ठीक है, एंगल का स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, इस हमारे कुछ फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, देखिए स्ट्रेंथ ओवर टेंशन मेंबर जब हमको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास तीन तरीके का यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, ये जो TD होगा, ये डिजाइन स्ट्रेंथ है मेरा। ये डिजाइन स्ट्रेंथ मेरा किसका मिनिमम होगा, TDG, TDN और TDB। ठीक है, इन तीनों में से जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वही मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये है क्या। TDG, ठीक है, TDG का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AG × FU / γ m0। ठीक है, वहाँ पे γ m0 क्या है, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। तो ये जो हमारा TDG होता है, ये होता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ यील्डिंग ग्रॉस सेक्शन। ठीक है, कि हमारा ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग के कारण जो स्ट्रेंथ होगा उसको हम TDG से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा TDN। ठीक है, TDN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.9 × ANC × FU γ m1 + β AGO FU / γ m0। ठीक है, ये जो मेरा TDN है, ये TDN होता है मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। ठीक है, कि रप्चर के कारण हमारा इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। ओके, तो थर्ड है मेरा TDB1 और TDB2। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा TDB1 का AVG × FY / √3 × γ m0 + 0.9 ATN FU / γ m1। जो दूसरा TG का फॉर्मूला होगा वो होगा 0.9 AVN FU / √3 γ m1 + FU ATG / γ m0। ये जो मेरा जो दोनों फार्मूला है TDB का, ठीक है, TDB का ये होता है मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। ठीक है, कि ब्लॉक शेयर के कारण हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा। ओके, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम ले लेते हैं क्या, TDG। और हमारा जो डिजाइन स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट करेंगे वो इन तीनों को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को निकालेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो डिजाइन स्ट्रेंथ रहेगा किसी भी टेंशन मेंबर का वो कितना होने वाला है। आई बात समझ में? तो चलिए हम एक एक करके हम इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जैसा कि देखिए अब इस प्रॉब्लम में दिया गया है, ये इसका फिगर है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन तो आपको समझा दिया, ये फिगर है। ये मेरा दो एंगल सेक्शन है, एक नहीं दो, बैक टू बैक एंगल सेक्शन मेरा लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, एक एंगल सेक्शन मेरा ये हो गया, ठीक है, दूसरा एंगल सेक्शन ये मेरा हो गया, और यहाँ पे दोनों में क्या बोल्टेड किया गया है। और इसका जो फिगर दिया गया ये देख सकते हैं, ये एक एंगल है, हर एक एंगल में कितना, चार चार बोल्ट लगा हुआ है, 1 2 3 4। और यहाँ से अगर कोई टेंशन फोर्स लगेगा, और हम यहाँ से क्या देखिए, जो पिच डिस्टेंस हम जो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके, तो पिच ये वैल्यू हमारा दिया गया है, एज डिस्टेंस 30 है यहाँ से यहाँ, और ये मेरा पिच कितना है, 50 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो है 75 है, और यहाँ से यहाँ 75 है। ओके, क्योंकि एंगल मेरा 75 साइज का है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको डी का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि हम M18 ग्रेड यूज कर रहे थे, तो M18 का मतलब होता है 18 मिलीमीटर का मेरा डायमीटर का बोल्ट होगा। तो डी नॉट क्या होगा, ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, हमारा बोल्ट होल का डायमीटर कितना होगा, 18 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिलीमीटर। ओके, यहाँ से मेरा AG यानी ग्रॉस एरिया जो होगा इस प्लेट का वो मेरा 938 आएगा। यहाँ से हम स्टील टेबल से लिए हैं। ठीक है, आप स्टील टेबल में क्या करो, जाओ और अब देखो ISA 75 × 50 में जाके थिकनेस
एट में जाना, उसके बाद एट में जाने के बाद आप देख सकते हो कि कितना आपका ग्रॉस एरिया है। तो ये एरिया मैंने स्टील टेबल से लिया है। एफ वाई का वैल्यू मेरे को पता है 250 MPa होता है, क्योंकि हमारा ग्रेड कितना 4.6 दिया हुआ है। ठीक है, गामा एम नॉट का वैल्यू कितना होगा 1.1 एंड गामा एम वन का वैल्यू होगा 1.25। ओके, तो और एक मेरा एफ यू का वैल्यू कितना होगा 410 MPa। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं टी डी जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टी डी जी का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से मेरा एफ यू का वैल्यू कितना है 250 × 938/1.1×2, क्योंकि इसमें दो एंगल हम यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं ये दो एंगल, ये इसका जो लंबा वाला लेग है ना, ये जो लेग है, यही लेग है कि गैजेट प्लेट से क्या है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका हमको दो इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा दो एंगल यूज हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं एक और एक दो, तो इसका जो वैल्यू होगा मेरा वो आ जाएगा 426.36 kN में। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं हम टी डी एन का वैल्यू फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो टी डी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.9 × NC। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, ए एन सी चाहिए और ए जी ओ चाहिए। ठीक है, और साथ में हमको क्या चाहिए, बीटा का वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए एन सी जो होता है वो होता है नेट एरिया कनेक्टेड। अगर ये मेरा इस तरीके का, अगर कोई एंगल मेरा एंगल सेक्शन कनेक्टेड है गैजेट प्लेट से, ठीक है, तो इसका देख सकते हैं ये जो एरिया है यही मेरा कनेक्टेड है इसके साथ। बाकी ये जो एरिया क्या है, ये तो आउटस्टैंडिंग लेग हो गया। तो देखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लेग और हमारा कनेक्टेड लेग को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये है। टोटल मेरा इसमें देख सकते हो ये लेंथ कितना है 75, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 75। और यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम एक बार इसको लेते हैं और एक बार हम इसको लेते हैं, ठीक है, एक बार हम इस सेक्शन को लेंगे और एक बार इस सेक्शन को लेंगे, तो यहाँ से मेरा जो डी बाई टू कितना, टी बाई टू क्या होगा मेरा, छूट जाता है। ठीक है, यानी कम हो जाएगा इसमें। तो मैंने एट मेरा थिकनेस था, तो एट से मैंने दो से डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ छूट रहा है। और देखिए यहाँ पे ये जो बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट का भी तो कुछ होल होगा, तो इस होल को माइनस कर देंगे यानी 20 × थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे एट। तो यहाँ से मेरा ए एन सी का वैल्यू आ जाएगा 408 mm². ओके, उसी तरह हम क्या करते हैं, ए जी ओ का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए जी ओ ये वाला जो आउटस्टैंडिंग जो लेग है ना, जो मेरा मतलब गैजेट प्लेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका हमको निकालना है एरिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो 50 है मेरा, ये 50 में अगर हम क्या कर, ओके, तो मेरा यहाँ से ए जी ओ ये जो मेरा छूट रहा है, जो आउटस्टैंडिंग लेग है, उसका जो हम एरिया निकालेंगे, तो ये 50 माइनस जो मेरा थिकनेस बाई टू, मैंने बताया कि थिकनेस माइनस टू से, थिकनेस बाई टू से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कर दिया इंटू एट, क्योंकि इसमें देखो किसी तरीके का बोल्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें किसी तरीके का बोल्ट नहीं लगा है तो इसमें और एरिया माइनस नहीं होगा। तो इसका अगर हम निकालते हैं ए जी ओ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 368। ओके, तो उस तरीके से हम ए एन सी और ए जी ओ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में एक हमको और एक जरूरत पड़ेगा, बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.4 − 0.076 × BS/LC × WT × FY/FU = less than FU/FY × Γm0/Γm1 > 0.7। ठीक है, ये जो 7 से बड़ा होना चाहिए और इस वैल्यू से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरा W का वैल्यू कितना है, ये जो दिया गया है, जो मेरा वेट ये कितना है 50 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा W का वैल्यू क्या आ गया 50, और ये W1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना आएगा 40। ओके, ये मेरा 40 आ गया, तो W1 का वैल्यू 40। T का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये कितना दिया गया है 8 mm। ओके, 8 mm दिया गया है। तो यहाँ से आप BS का वैल्यू हो, जब फॉर्मूला होता है W + W1 − T, तो W का वैल्यू 50 + 40 − 8 = 82। ओके, और हम देखिए LC का वैल्यू फिर से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, LC का वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले यहाँ से देख सकते हैं एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ, चार हमारे बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, इन के बीच में कितना पिच हमारा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखिए सब में इक्वल पिच फॉर्म कर रहा है, 50 50 50 का कितना पिच है, 1 1 2 3, इसीलिए मैंने 3 × 50 किया। ओके, मिलीमीटर। देखिए मैं सबका वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू मैंने सबको पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे BS/LC का वैल्यू मैंने 50/150 किया, फिर यहाँ पे 50/8 × FY का वैल्यू कितना था 250 एंड FU का वैल्यू था 410। तो यहाँ से मैंने पुट किया, ये जो वैल्यू है हमेशा छोटा या बड़ा होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए किससे, 410 × 1.1 / 250 × 1.25, और ये जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए कितना, 7 से। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरा वैल्यू आएगा 1.242
इज इक्वल टू लेस देन ये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो वैल्यू है मेरा बीटा का, ये बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। ये बीटा का जो वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू कितना 0.7 से बड़ा है, और कहाँ तक जा रहा लाई कर रहा है 1.242। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा जितना से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ये वैल्यू मेरा बड़ा है, तो हम इस चीज़ को बीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे 1.242। ठीक है, तो यहाँ से हम टी डी एन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं टी डी एन का जो फॉर्मूला था, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो जो टी डी एन का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, ये था मेरा टी डी एन का फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैंने जब सारे वैल्यू को पुट किया तो 0.9 × 408 × 410 × 1.25 + 1.25 1.242 × 250 × 1.1 × 386। ठीक है, जहाँ सारा वैल्यू था उसको मैंने पुट किया, तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा 224.31 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये एक एंगल का था। ठीक है, तो मैंने दो एंगल यूज किया, तो इसको टू से मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 448.662 किलो न्यूटन। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, टी डी एन का। ठीक है, मेरा टी डी एन का वैल्यू मिल गया, टी डी जी का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, टी डी बी स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। ठीक है, कि ब्लॉक शेयर के कारण मेरा स्ट्रेंथ कितना होगा। ओके, तो उसको निकालने के लिए देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये टी डी बी वन और टी डी बी टू। इसमें देखिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वन हमको ए बी जी निकालना पड़ेगा, ए टी एन निकालना पड़ेगा, फिर हमको ए वी एन निकालना पड़ेगा और ए टी जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का वैल्यू हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमको ए वी जी सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ए वी जी निकालने के लिए यहाँ से आप देखो ये टोटल कितना है, ये इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज कनेक्शन किया गया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अब यहाँ से ये कितना 30 है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये फोर्स के डायरेक्शन में देखो इसका जितना भी पिच होगा इंक्लूडिंग एज डिस्टेंस, ठीक है, सबको मैं जोड़ दूंगा और जितना थिकनेस था उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये वी जी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस एरिया ड्यू टू शियर। ओके, तो ग्रॉस एरिया ड्यू टू शियर मेरा हो जाएगा 8 × यहाँ से देखिए कितना है 50 50 50 × 3 × 50 प्लस देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 30, तो मैंने 30 से ऐड कर दिया, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा मेरा 1440 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए वी एन का वैल्यू हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए वी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मेरा इस तरीके का कुछ वोल्टेड कनेक्शन था, यहाँ पे ये एक वोल्ट है, दो वोल्ट है, एक यहाँ पे 3 वोल्ट है। ठीक है, जब मैं ए वी एन जब मैं कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि नेट शियर एरिया जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं इसका हाफ ही लेता हूँ। ठीक है, एक 3.5 वोल्ट आ जाएंगे अंदर और 1 वोल्ट क्या होगा, ये पार्ट मेरा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए वी एन का जो मैंने कैलकुलेट किया वो हो जाएगा 8 × 3 × 50। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 था, ओके, यहाँ पे 50 है, 50 है, 50 है, 50, यहाँ पे 30, तो सबको मैंने ऐड कर दिया। और अब आप देख सकते हो ये जब पूरा था, अब ये हाफ हो गया ना, तो ये जो एरिया मेरा है इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होल के कारण, क्योंकि हम यहाँ पे नेट की बात कर रहे हैं, शियर ड्यू टू नेट, तो हमारा यहाँ से देखिए कितना वोल्ट आएगा इसके अंदर, 1, 2, 3 और एक आधा, यानी 3.5 वोल्ट अंदर आ गया, इतना को मैं मल्टीप्लाई करके हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ से तो −3.5 × 20, क्योंकि मेरा वोल्ट का जो होल है वो कितना है 20 है, तो यहाँ से जो मेरा एरिया आ जाएगा 880 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से मेरा क्या हुआ, पूरा एरिया आ गया ए वी एन का। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है मेरा ए टी जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ए टी जी टेंशन ड्यू टू ग्रॉस एरिया, ठीक है, कि टेंशन ड्यू टू ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि ये मेरा एंगल सेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ 40 है मेरा, और यहाँ से यहाँ ये कितना बचेगा 35। तो देखो ये इस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है ड्यू टू टेंशन के कारण, तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट, ये मेरा ए टी जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एंगल हो गया, इस एंगल में से ये मेरा 35 है और ये मेरा कितना है 8 है। ओके, 35 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये मैंने 8 × 35 किया तो मेरा एरिया आ गया 280 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमको ए टी एन निकालना है, ठीक है, नेट एरिया निकालना है। तो नेट एरिया जब हम कंसीडर करते हैं तो ये मेरा बोल्ट का होल है, ठीक है, इस होल के हाफ का जो पोर्शन होगा उसी को मैं कंसिडर करूँगा। ओके, तो
अब मेरा ये हाफ एरिया क्या होगा, ये घट जाएगा यहाँ पे क्योंकि होल है, तो हाफ एरिया यहाँ से घट जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो मेरा ए टी एन का वैल्यू होगा वो होगा 8 × 35 माइनस 0.5 × 20। मैंने 0.5 इसलिए किया क्योंकि ये अगर सपोज मेरा होल का एरिया है तो मेरे को नेट निकालना है यहाँ से, यहाँ का एरिया। देखिए अगर हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका थिकनेस दिया गया है, इसका थिकनेस दिया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पोर्शन होगा इस पोर्शन को मैं तो रिड्यूस कर दूंगा। जब मैं नेट की बात करता हूँ तो होल का जो एरिया होता है उसको घटा देते हैं, तो ये मेरा होल यहाँ पे, इसका जो थिकनेस है उसको हमको घटाना पड़ेगा। ये थिकनेस कितना हो जाएगा, 0.5 टाइम्स ऑफ d0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वही हो जाएगा माइनस 0.5 × 20, तो मेरा ए टी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 mm². तो मेरा यहाँ पे टी डी बी वन का फॉर्मूला ये है और टी डी बी टू का फॉर्मूला ये है। तो मैं क्या करूँगा, सारे डाटा को इनमें पुट कर दूंगा, ठीक है, और हम टी डी बी वन और टी डी बी टू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने जो टी डी बी वन जो मेरा होगा, ठीक है, वो कुछ इसका दर होगा 0.5 × 880 × 410/√3 × 1.25 प्लस 410 × 280/1.1। तो इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो आ गया 213.863 kN, ठीक है। तो मेरा दो एंगल के लिए क्या हो जाएगा, दो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 428.24 kN। ओके, तो ये मेरा टी डी बी वन का वैल्यू था। आप चलिए देखते हैं टी डी बी टू का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला टी डी बी टू में सारे वैल्यू को मैंने पुट किया तो ये आएगा 1440 × 250/√3 × 1.1 प्लस 0.9 × 410 × 200/1.25। ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 248 kN, ठीक है। अब हम ये तो एक एंगल के लिए था तो मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा टी डी बी टू आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा टी डी बी टू का वैल्यू आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से टी डी बी हमको निकालना है, तो टी डी बी क्या हो जाएगा, मिनिमम जो मेरा होगा टी डी बी वन, टी डी बी वन एंड टी डी बी टू, ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, टी डी बी। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 427, तो मैंने 427.24, ठीक है, ये तो मेरा टी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 427.24। और मैंने आपको बताया कि जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमको फाइंड आउट करना है तो हमारा जो तीनों होगा, ठीक है, टी डी जी, टी डी एन एंड टी डी बी, ठीक है, इन तीनों में से जिसका वैल्यू मिनिमम होगा वो मेरा डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से देखो मिनिमम कौन सा है, ये 426.36, ठीक है, इसीलिए मेरा ये जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 426.36। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।